हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन हाइड्रोलाइसिस। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटोप्लाज्म पर लिया था, उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ी थी। उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा, ये सारी टेबल भी समझी थी। तो आज हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, टू चीज़ें जुड़ती हैं, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल बनता है और इसमें से वाटर रिलीज होता है। वो हमें इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जो हाइड्रोलाइसिस होता है ना, उसमें क्या होता है, वाटर उसमें ऐड होता है। तो टू चीज़ें टूटती हैं वाटर के ऐड होने से, टू मॉलिक्यूल्स आपस से टूटते हैं, उनका बॉन्ड टूटता है, तो इसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वाटर भी ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि वाटर ऐड होता है, तो एक में हाइड्रोजन जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्साइड जाता है, तो इसे वाटर भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल फिर से टूट जाता है, जो बनता है वो फिर से टूट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, टू अलग अलग में। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्रोसेस। तो अभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे जो हैं, ये हमारे मोनोमर्स हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे पीसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, मोनोमर्स हैं और ये छोटे छोटे पीसेस मिलकर एक चेन बना रहे हैं इसी टाइप की, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, तीन डिफरेंट चेन्स हैं, तो इसे हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि हमारी दीवार जो है वो है यानी कि ब्रिक्स से बनी हुई होती है, ठीक है। हमारी वाल जो है घर की, वो हमारी ब्रिक्स से बनी होती है। तो ब्रिक्स जो है ना, वो मोनोमर्स है और हमारी वाल जो है वो पॉलीमर है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारी ब्रिक है, हमारी ईट है, तो वो जो है ना, वो खुद तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है और इस पर बहुत डिस्कशन हुई है, तो हम आगे चलकर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल इज़ हायर मोलिकुलर वेट कंपाउंड। माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो मीन्स बिग या लार्ज भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो आपको पता है, मॉलिक्यूल ही होता है, उससे माइक्रो मॉलिक्यूल का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है, जो कि किससे बना होता है, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। अब देखो ये सेम यूनिट है ना, ये बार बार आपस में रिपीट होकर, ये सेम है तो ये रिपीट होकर एक बड़ा सा यूनिट बनाएंगे। जैसे कि हमारी ब्रिक्स होती हैं, वो मिलकर ये सेम है, रिपीट होकर एक दीवार बना देती हैं। तो ये कह रहा है, तो क्या कह रहा है, फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स मॉलिक्यूल बिल्ड लाइक दिस आर नोन एज पॉलीमर्स। तो इस दीवार को हम पॉलीमर कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके ये जिससे मिलकर बना है, इसका एक एक यूनिट जो है वो हमारा क्या है, मोनोमर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स बिल्ट लाइक दिस आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। तो ये हमारे जो होते हैं ना, ये मोनोमर्स और ये पॉलीमर्स होते हैं। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स, जो इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं ना, उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, इसलिए वो जिनसे बनता है, मतलब मोनोमर्स जो होते हैं ना ये वाले, इसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, माइक्रो मीन्स बड़े, लार्ज, बिग, तो वो मॉलिक्यूल्स, बड़े वाले मॉलिक्यूल्स छोटे वाले मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, तो हमने छोटे वाले मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं और बड़े वाले मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमर कहलाते हैं और जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम मोनोमर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। द इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कैरीड आउट बाय कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ये आपस में इंटर कन्वर्ज होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स किससे, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, अब जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ना,
तो उसमें क्या होता है, व्हेन टू मोनोमर्स जो है ना वो ज्वाइन होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर। हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ना वो एक मोनोमर से रिमूव होता है, और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन ग्रुप जो है ना वो दूसरे से रिमूव होता है, दूसरे मॉलिक्यूल से रिमूव होता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं, जब टू मोनोमर्स है देखो अमाइनो एसिड है ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो जब अमाइनो एसिड मिलते हैं ना, ये अमाइनो एसिड हमारे मोनोमर्स हैं और प्रोटीन हमारा पॉलीमर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमाइनो एसिड जब मिलते हैं, ये दोनों अमाइनो एसिड है ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक अमाइनो एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है ठीक है, और एक अमाइनो एसिड के पास क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये आप ऐसा समझ लें कि दो लड़कियां हैं ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो शॉपिंग करने जाती हैं मॉल में, तो दोनों आपस में अचानक से मिलते हैं बहुत सालों के बाद, और उनके हाथों में ना शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो इसकी वजह से वो मिल नहीं सकती, पर वो मिलना चाहती हैं आपस में। तो वो क्या करेंगी ना, अपने शॉपिंग बैग्स जो है ना वो नीचे रखेंगी और फिर आपस में मिलेंगी दोनों की दोनों। तो अमाइनो एसिड जो है ना ये दोनों उन दो बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है ठीक है, ये दोनों आपस में मिलना चाह रहे हैं, बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, पर इनके हाथों इसके एक अमाइनो आत्मिक के एक अमाइनो एसिड के हाथों में हाइड्रोजन आयन है और दूसरे अमाइनो एसिड के हाथों में हाइड्रोक्साइड आयन है। ओके फ्रेंड्स, तो हाइड्रोक्साइड आयन है अब ये मिल नहीं पा रहे, तो क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है ना, ये मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, टूट जाएंगे बेचारे, तो गिर जाएंगे इनके हाथों से सामान। तो ये क्या करते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा यहाँ पर, तो ये क्या कहते हैं, ये अमाइनो एसिड इसके पास हाइड्रोजन आयन है और ये अमाइनो एसिड इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये अमाइनो एसिड क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ठीक है, और ये अमाइनो एसिड क्या करेगा, अपना हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एच और ये एच मिलकर एच टू बन गया, और ये ओ मतलब इन्होंने क्या रिलीज़ किया, वाटर रिलीज़ किया और एक बॉन्ड बनाया आपस में मिलकर ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखें ये अमाइनो एसिड जो ये अमाइनो एसिड आपस में मिले, उन्होंने रिलीज़ एक बॉन्ड बनाया आपस में, ये वाला पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, सॉरी ये जो है ना ये वाला इन्होंने बॉन्ड बनाया आपस में मिलकर, इस बॉन्ड को हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं ठीक है। और इससे इसके साथ क्या किया इन्होंने, एक मिनट, तो फ्रेंड्स ये अमाइनो एसिड दोनों आपस में मिल रहे हैं और ये हाइड्रोजन रिलीज़ कर रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन, तो ये मिलकर वाटर बन गया ठीक है। इन्होंने क्या रिलीज़ किया, वाटर रिलीज़ किया, तो ये आपस में बॉन्ड बना लिया इन्होंने, आपस में मिल गए ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ये अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं और बॉन्ड बनाते जाते हैं, और फिर जब एक लार्ज चेन बन जाती है अमाइनो एसिड की तो बॉन्ड्स की, तो वो हमारा बन जाता है प्रोटीन, और ये पॉलीमर होता है, अमाइनो एसिड जो है इसका मोनोमर होता है। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अब देखें फ्रेंड्स, अब इसे उल्टा कहते हैं, अब कंडेंसेशन क्या होता है, ये हम कंडेंसेशन में समझते हैं, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है, व्हेन टू मोनोमर्स ज्वाइन, जब टू मोनोमर्स, मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, ये दोनों मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, तो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH वाला ग्रुप रिमूव करता है, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो मोनोमर जो है वो हाइड्रोजन का ग्रुप रिमूव करता है फ्रॉम द अर्थर में से टू मेक वाटर, वाटर बनाने के लिए, तो हमारा वाटर बन गया ना, एच एच मिलकर एच टू हो गया, और आ गया तो एच टू हो गया, एच टू और रिलीज हुआ तो एक बॉन्ड भी बना, एट एंड एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या, बॉन्ड इज सेंटिसाइज, एक बॉन्ड सेंटिसाइज होता है यानी कि बनता है बिटवीन द मोनोमर्स की दो दरमियाँ, तो द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, स्कॉल डाइमर। अब ऐसे रिएक्शन की प्रोडक्ट जो है ना इसे हम डाइमर कहते हैं, या इसे डिमर कहो, जो भी कहना चाहो आप ठीक है। इफ़ द सेम रिएक्शन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, अगर ये रिएक्शन बार बार रिपीट हो, द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी अपीयर पॉलीमर, जो रिजल्ट में मॉलिक्यूल आएगा उसे हम पॉलीमर कहेंगे ठीक है, और अमाइनो एसिड जो है वो उनका मोनोमर है।
किसका मोनोमर है? प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है, ठीक है। कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी एमसीक्यूज पॉइंट है, तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत मेन है। कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। डी मीन्स रिमूवल होता है, ओके फ्रेंड्स। और हाइड्रेशन हाइड्रो में से निकला हुआ है, और हाइड्रो का मतलब वाटर होता है। रिमूवल ऑफ वाटर सिंथेसिस मीन्स और कुछ बनता है, फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं? डी मीन्स रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर रिमूव होता है। और क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बिकॉज वाटर जो है वो रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन होती है एंड बॉन्ड इज मेड, तो बॉन्ड बनता है, इसलिए हम इसे सिंथेसिस कहते हैं। और वाटर रिमूव होता है, इसलिए हम इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज प्रेजेंट। कंडेंसेशन तब तक नहीं होती जब तक प्रॉपर एंजाइम जो है ना वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है। इसमें भी एंजाइम की हेल्प होती है, मदद होती है। एंड द मोनोमर्स आर इन एन एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म। और जो मोनोमर्स होते हैं ना वो उनमें एक्टिवेट एनर्जी होती है, वो भी बहुत सारी एनर्जी होती है रिच फॉर्म में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर हमारे समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर एक टाइम डायग्राम में भी देख लेते हैं जो हमें यहाँ पर दी गई है। इसमें क्या दिखाया गया है हमें कि ये दो मोनोमर्स है, ठीक है, ये आपस में मिल रहे हैं। तो ये एक जो है हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है जिसमें इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड बन चुका है। इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और ये वाटर रिलीज भी कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब फिर से नीचे चलते हैं हाइड्रोलाइसिस की तरफ। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? अपोजिट होता है बिल्कुल कंडेंसेशन के। एसेंशियली ये बहुत एसेंशियल भी होता है, और रिवर्स होता है किसके? कंडेंसेशन के, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर। जो हमने कंडेंसेशन में पॉलीमर बनाया हुआ था ना, क्या बनाया था? ए और अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड बना था ये वाला, ठीक है। और वाटर जो था वो रिलीज हुआ था, ये बनाया था ना। अब ये क्या होगा? वाटर इसमें फिर से ऐड हो जाएगा, और ये किस में टूट जाएगा? फिर से रिवर्स हो जाएगा इसका। वाटर इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर से ये इसके पास हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन आ जाएगा, और इसके पास फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस, जिसमें वाटर को ऐड किया जाए, ठीक है। किस में ऐड किया जाए? पॉलीमर में ऐड किया जाए, तो वो टू मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाए, उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये जो है रिवर्स है किसका? कंडेंसेशन का। ये भी मेन पॉइंट है, हाइड्रोलाइसिस जो है वो रिवर्स है किसका? कंडेंसेशन का। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ अ पॉलीमर होता है इनटू मोनोमर्स में बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करते हैं तो पॉलीमर ब्रेक डाउन हो जाता है मोनोमर में। ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है कि एना हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है ना फ्रॉम वाटर से इज अटैच टू वन मोनोमर, वो जाकर एक मोनोमर को अटैच हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मोनोमर को अटैच हो जाता है। एक्चुअली ऑल डाइजेशन रिएक्शंस, हमारे बॉडी में जो भी डाइजेशन रिएक्शंस है ना, वो एग्जांपल होते हैं हाइड्रोलाइसिस के, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि वो सारे टूटने वाले होते हैं ना, मतलब उसमें भी क्या होता है, वाटर जब खाना जाता है, वाटर उसमें ऐड होता है खाने में, तो हमें बॉडी में तो बहुत सारे वाटर हैं सेल्स में, तो वाटर जाके उस खाने में ऐड होता है। तो हाइड्रोजन एक मोनोमर में चला जाएगा, एक हिस्से में चला गया, हाइड्रोक्साइड दूसरे हिस्से में चला जाएगा, तो वो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ना खाने के दरमियान, वो टूट जाता है और वह टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये हाइड्रोलिस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन का, तो रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और कंडेंसेशन भी हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, विच आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स सच एस। एक्चुअली और डाइजेशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस, जो भी डाइजेशन रिएक्शंस हैं वो हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल्स हैं। और विच आर कंट्रोल बाय एंजाइम्स, डाइजेशन रिएक्शंस हैं ना वो कंट्रोल किए जाते हैं एंजाइम्स की मदद से। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम होते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। ये प्रोटीन्स हैं तो ये प्रोटीन्स को कंट्रोल करते हैं, लाइपेज है तो ये लिपिड को कंट्रोल करते हैं, न्यूक्लियस है तो ये
न्यूक्लियस को कंट्रोल कर न्यूक्लिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। उम्मीद है आपको यह हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें फिर से एक बार डायग्राम देख लेते हैं। इसमें हाइड्रोलिसिस देखते हैं तो क्या कह रहा है, ये देखिए सॉरी ये देखिए इसमें से फिर से ये रिवर्स वाला लगा हुआ है, मतलब कंडेंसेशन का रिवर्स जो है हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर फिर से ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है, पॉलीमर में, और फिर से ये एक जाकर इस मोनोमर से लग गया और हाइड्रोक्साइड जाकर एक दूसरे मोनोमर से लग गया। तो ऐसे ही ये हमारा प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस सॉरी। जैसे हम इस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे थे, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को हम डिमर कह रहे थे, ऐसे ही इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को भी हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, सॉरी ऐसे में क्या है ना, इसको हम डिमर कहेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, और पॉलीमराइजेशन तब कहेंगे जब ये बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक चेन बना लेंगे और फिर वो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए हम उसे इस सब की प्रोडक्ट को ना, इस सारे रिएक्शन की प्रोडक्ट को हम फिर कहेंगे क्या, पॉलीमराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, छह अमीनो एसिड बनकर मिलकर एक चेन बना रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये पॉलीमर बना रहे हैं मोनोमर्स मिलकर। तो ये इनका जो प्रोडक्ट होगा ना ऑफ सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन का, उसे हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और ये कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिखी हुई हैं, क्या पॉइंट है हम पढ़ लेते हैं। के डू नॉट कन्फ्यूज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर एंड हाइड्रोलाइसिस। जहाँ पर हाइड्रोलाइसिस में वाटर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइए विथ मेकिंग अ सॉल्यूशन बनाने से। इन विच द रोल ऑफ वाटर इज़ टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हम जब बनाते हैं तो वहाँ पर रोल ऑफ वाटर जो है वो सॉल्वेंट का होता है, रादर देन टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आल्सो डू नॉट अज्यूम दैट दिस ब्रेकडाउन रिलीज एनर्जी। ये भी अज्यूम मत कीजिए कि इस ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हाँ वाटर जब ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, विच इज़ रियली प्रोड्यूस व्हेन द सिंपलर सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज इन रेस्पिरेशन। एनर्जी तब रिलीज होती है जब सिंपलर सब्सटेंस होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं रेस्पिरेशन में। हाइड्रेशन इज येट अनदर कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। हाइड्रेशन जो है एक अलग ही डिफरेंट प्रोसेस है इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ वाटर। उसमें एडिशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है बट नॉट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस आर नॉट द सेम। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट एडिशन ऑफ वाटर होता है बट वो क्या होता है उसमें बॉन्ड भी ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, बट हाइड्रेशन जो है इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है बट बॉन्ड नहीं ब्रेक डाउन होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में, वो हमारा वीडियो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये सब होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।